कहलो रे सर एने एकदम उदास बैठल है लगा हो अब हमर शादी ना हो तो बाजी सर ऐसे बोला ही रे लगा हो अब हमर शादी ना हो तो गया वाली छोड़ी माने कर दिल का अब बोध गया वाली तो खड़े खड़े रिजेक्ट कर दिल को अब लगा हमर शादी ना हो तो बाजी दू सर तेने हमू तो एक आध गो ना पटेल हो रे कि तोरा हम सेटिंग करा दियो का बोला है बाजी मान लेना का भरे भरे हो सर तेने पूरा जनता परेशान है पागल राजा से जरा पावा है और फांसी दे रहा तोरा सजिए सूझ रहा है बात तो सही बोल रहा है बाजी कि मूर्ख राजा से पूरा जनता तो परेशान है ये हो जेकरा पावा ओकरा फांसी दे दे हो कोई फरिश्ते आते भी राजा से बचावे हमें हाँ तू अब की सही बोलना है बिना फरिश्ता के राजा से हमें ना बच पाई हाँ ये राजवा से बच जीवी ना बाजी तो बहुत शादी कर भी तो रे साथ में हर कोई सदिए सीधा हो मेरा बकरी मर गया महाराज मेरा बकरी मर गया बकरी मर गया महाराज मेरा बकरी मर गया मेरा बकरी मर गया महाराज मुझे हिसाब चाहिए हमको जाने दो भाई मेरी बकरी मर गई हमको महाराज से मिलना हम कहीं आकर झक मारने के लिए खड़ा है आया दंदराल घुल जा रहा है अभी तुम आया है अभी तू रुको अभी हम जाएंगे महाराज को बोलेंगे महाराज जब तुमको बुलाएंगे तो फिर तुमको लेके जाएंगे ठीक है भाई तुम जल्दी महाराज को खबर दो महाराज एक फरियादी फरियाद लेके आया है जाओ उसे लेके आओ जी महाराज चलो महाराज तुम्हें अंदर बुला रहे हैं महाराज मुझे इंसाफ चाहिए महाराज मुझे इंसाफ चाहिए बताओ क्या है तुम्हारी समस्या महाराज एक अजनबी के कारण मेरी बकरी के ऊपर दीवार गिर गई और उसकी मौत हो गई मुझे इंसाफ चाहिए महाराज मुझे इंसाफ चाहिए बकरी का दूध बेचकर ही मेरे परिवार का गुजारा होता था महाराज अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा महाराज क्या तुम उस अजनबी को पहचानते हो जी महाराज मैं उस अजनबी को पहचान लूंगा सिपाही तुम इसके साथ जाओ और उस अजनबी को बंदी बना के लाओ यही वो आदमी है जिसकी वजह से मेरी बकरी की मौत हुई अच्छा तुम वही आदमी हो जिसकी वजह से बकरी की मौत हुई चलो तुमको महाराज बुलाए हैं महाराज यही वो आदमी है अच्छा तो तुम ही वो आदमी हो जिसकी वजह से दीवार गिरी और बकरी की मौत हुई सिपाही चढ़ा दो इसको फांसी पे महाराज मैंने दीवार को छुआ ही नहीं तो फिर मेरे वजह से दीवार कैसे गिर सकती है क्यों रे हरिया ये सही बोल रहा है जी महाराज पर दीवार इसी के वजह से गिरी है जब इसने दीवार को छुआ ही नहीं तो दीवार इसकी वजह से कैसे गिर सकता है इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो पहले ये बताओ कि वो दीवार था किसका महाराज वो दीवार तो मेरा ही था इसका मतलब बकरी के मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो सिपाही चढ़ा दो इसको फांसी पर महाराज बकरी के मौत की जिम्मेदारी ये भी नहीं है तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार महाराज बकरी के मौत की जिम्मेदार वो है जिसने दीवार कमजोर बनाया था अच्छा इसका मतलब वो कारीगर जिम्मेदार है सिपाही तुम उस कारीगर को पकड़ के लाओ जिसने वो दीवार बनाया था महाराज ये वही कारीगर है अच्छा तुम ही वो कारीगर हो जो कमजोर दीवार बनाते हो महाराज अभी तक ला तो ऐसा नहीं मतलब दीवार बनाया है कि किसी को खरोच आया है तुम जो दीवार बनाते हो उससे किसी को खरोच नहीं बल्कि सीधा मौत होता है सिपाही चढ़ा दो इसको फांसी पे महाराज मेरा कोई गलती नहीं है जो सीमेंट दिया है उसी का सब गलती है मेरा कोई गलती नहीं है अच्छा इसका मतलब वो दुकानदार खराब सीमेंट बेचा है सिपाही तुम उस दुकानदार को पकड़ के लाओ जी महाराज
तुम्हारा ही दुकान है? दुकान तो मेरा है भैया, सीमित आधा घंटा के बाद आवेगा, अभी तो दुकान ही खोल रहे हैं। तुम इतना अच्छा सीमेंट बेचते हो ना कि महाराज खुश होकर तुमको बुलाए हैं। लगता है कुछ आज महाराज इनाम देंगे। चलो तुमको आज बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। महाराज यही वो दुकानदार है? महाराज हम ही वो दुकानदार हैं। दीजिए महाराज, क्या इनाम देना चाहते हैं? पहली बार ऐसा आदमी देख रहे हैं जो अपनी मौत पे खुश है। सिपाही लटका दो इसको फांसी पे। महाराज मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से एक मौत हुई है। तुमने जो खराब सीमेंट बेचा है उससे एक दीवार गिर के एक बकरी की मौत हुई है, जिसका जिम्मेदार तुम हो। महाराज मेरा क्या गलती है? जो कंपनी सीमेंट देती है वही हम बेचते हैं। तो इसका मतलब वो कंपनी जिम्मेदार है जो गलत सीमेंट बना रहा है। सिपाही तुम जाओ उस कंपनी वालों को पकड़ के लेके आओ जिसने वो खराब सीमेंट बनाया है। महाराज ये वही आदमी है जो खराब सीमेंट बनाता है। अच्छा तो तुम ही वो आदमी हो जो खराब सीमेंट बना रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? एक मौत हुई है। मौत? हाँ मौत, वो भी एक बकरी की। क्या बकरी की मौत? पर उसका जिम्मेदार मैं कैसे हुआ? क्योंकि तुमने जो खराब सीमेंट बनाया है उससे एक दीवार गिरी है और उस दीवार से बकरी की मौत हुई है। पर महाराज इसमें मेरी क्या गलती? ऊपर से जो आदेश आया वैसा सीमेंट हमने बनाया। तो सिपाही इस बार पक्का उस आदमी को फांसी पर लटका दो जिसने आदेश दिया था ऐसा सीमेंट बनाने का। पर महाराज। पर और कुछ नहीं, उसको इस बार फांसी पर लटका दो। पर महाराज मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, वो आदेश आपने ही तो दिया था। या?